क्या चल रहा है, क्या हो गया है तुझे? अर्जुनी, मैंने आज तक पापा जी की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। जब वीर जी गए थे ना, तब भी उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा तक नहीं गिरा, लेकिन आज आज वो फूट फूट के रोए और उसकी वजह मैं हूं। फिर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अर्जुनी, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं। मम्मी जी और बेबी को जेल से छुड़वा लो। राजवीर, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दूंगी, और इस बार गलती उनकी है। राजवीर प्लीज, अगर आज मैंने उन्हें छुड़वा दिया ना, तो सच हार जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फिर से सजाए, फिर से घर में डर का माहौल, सब कुछ वैसे का वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं। मैं आज तक हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा हूं ना, आगे भी खड़ा रहूंगा। जो भी सजा मिलेगी, हम दोनों साथ मिलेंगे। देख अर्जुनी, मेरी बात मान ले। देख, आज तेरे सामने एक बेटा खड़ा है, इस बेटे की फरियाद सुन ले, मम्मी जी और बेबी को जेल से छुड़वा ले, प्लीज। प्लीज। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। मांगीराम, कुछ नहीं हो सकता। कितनी जमीनें हैं मेरे पास? बहुत है साहब जी। और फैक्ट्रियां? फैक्ट्रियां भी बहुत है साहब जी। जान पहचान कितनी है मेरी? वो भी बहुत है साहब जी। फिर भी कितनी शर्म की बात है कि मेरी वाइफ और मेरी माँ दोनों जेल में सड़ रहे हैं और मैं उनको छुड़वा ही नहीं सकता, और एक तू है इधर खड़े होके बस यही कह जा रहा है बहुत है बहुत है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब जी? हरियालीपुर में आपके वजह से ही कितने घरों का चूल्हा जल रहा है, और आपके वजह से ही कितने घरों को छत मिली है, ये आप नहीं जानते साहब जी। देखना, कोई ना कोई मदद करने आएगा, जरूर आएगा, और जरूर कोई रास्ता निकलेगा। वो रास्ता तो है, दिखता है रास्ता, लेकिन उस रास्ते पे पता क्या मांगीराम, एक नागिन बैठी है ऐसे फन निकाल के। वो नागिन हमारे घर में ही है, और कोई नहीं, मेरी बहू है। तेरे को क्या लगता वो कंप्लेंट वापस लेगी? मेरे को नहीं लगता कि लेगी। अंकल जी, मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? तू किधर से आ गई? अभी तक यही मंडरा रही मेरे घर के अंदर है, तू जाते क्यों नहीं है? अंकल जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए इमोशनल होके ना मैंने ये सब गलत काम कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक माँ का दुख क्या होता है ये आप नहीं समझेंगे। तो कैसे माफ कर दूं, और कैसे कोई तेरे को एक्सपेक्ट करेगा इस घर के अंदर? ये सारा मेरे घर के अंदर तमाशा हुआ ना, उसका सारा कारण तू है। ऊपर से इधर मेरे सामने बैठ के ड्रामे करती है, मगरमच्छ की आंख सुबह आती है। तू जा, मैं कहता हूं तू जा। साहब जी, तेरे को जाना है इसके साथ? नहीं जाना है बोल। साहब जी, मेरी बात सुनिए, आप इधर आइए ना। उधर मैं क्यों आऊं? उधर जाके खड़ी हो क्या? उधर इधर। हाँ साहब जी, साहब जी ये मुफ्त की मेहनत बन के आई है, यही वक्त है इसका सही इस्तेमाल करने का। क्या स्कीम है साहब जी?
मीडिया के सामने इसी से कहलवाएंगे कि भाभी जी और बेबी जी बेकसूर हैं। मेरी बात मान लीजिए साहब जी, जिद छोड़ दीजिए। बढ़िया स्कीम है। देखिए मैडम, आपका एरिया गोल चौकी थाने में पड़ता है, वहां कॉल कीजिए आप। जी हाँ। सर। अरे अजूनी जी, आइए बैठिए। जी बोलिए। सर वो मम्मी जी और बेबी जी कहाँ हैं? जी वो यहीं अंदर बिठा के रखा उनको, आप टेंशन मत लो, सब ठीक ठाक है। जी मुझे अपनी कंप्लेन वापस लेनी है। सही टाइम पे सही डिसीजन लिया आपने। ये लीजिए पेन और पेपर, आप लिख दीजिए कि आप अपनी मर्जी से कंप्लेंट वापस ले रही हैं। मैं तब तक उनको लेकर आता हूं। आप यहां पर आइए। दीदी आप अजूनी बग्गा हो ना? हाँ। आप वहां क्या कर रहे हो? यहां पर आइए। एक मिनट, मैं बस एक मिनट में। दीदी मेरा नाम तारा है, मैंने वो आपको टीवी पे देखा था। मैं घरों में खाना बनाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, लेकिन मेरा पति ना मेरे सारे पैसे अपने दारू पे उड़ा देता है और मुझे मारता भी है। मैंने ना आपको मेरे मैडम के टीवी पे देखा था, आपने वो घरेलू औरत पे मारपीट के खिलाफ नारी मुक्ति वाली औरतों से मदद ली थी ना, तब मैंने जब आपको तब टीवी पे देखा था ना, तब मुझे लगा कि जब आप इतनी बड़ी घर की बहू होने के बावजूद इतना हिम्मत दिखा सकती है, इतना बड़ा कदम उठा सकती है, तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने भी उस दिन ठान लिया कि मैं अपने दारूबाज पति को सबक सिखा के रहूंगी। उस दिन मैंने आपको टीवी पे जब ऐसे देखा ना, तो ऐसा लगा कि जैसे दुर्गा माँ स्वयं उतर आई हूँ और असुरों का संहार कर रही हूँ। बहन जी यहाँ पर आइए ना। हाँ क्या कर रहे हो? बस आ रही हूँ मैं। मैं अभी जाती हूँ, लेकिन आप हिम्मत मत हारना और इस लड़ाई से पीछे मत हटना। मैं चलती हूँ। बहन जी यहाँ पर आइए आप। लेकिन आप हिम्मत मत हारना और इस लड़ाई से पीछे मत हटना। नमस्ते जी, आप सबको मैंने यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। पिछले दिनों मेरे घर में जो तमाशे हुए हैं, उससे तो आप अच्छे से वाकिफ हो, है ना? आप नहीं वाकिफ होगे तो कौन होगा? क्योंकि आप ही तो वो लोग हैं जिन्होंने बड़े शौक से बड़े धमाके के साथ ये सब कुछ पूरी दुनिया को दिखाया था। मैंने घबराने की बात नहीं है, तेरे चेहरे पे घबराहट नहीं हटा दे, क्योंकि मैं इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहता। मेरे को तो सिर्फ ये साबित करना है कि ये जो सड़े हुए इल्जाम मेरे पे और मेरे खानदान पे लगे, ये सब झूठे थे और बेबुनियादी थे। पुलिस आई थी मेरे घर में, मेरी बेबे और मेरी धर्मपत्नी को उठाकर पुलिस थाने ले गई। अरेस्ट के जितने भी कारण थे सब झूठे थे, सब बेबुनियाद थे, और ये मैं आज आप सबके सामने साबित कर दूंगा। नारी मुक्ति केंद्र की जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका जी? हाँ, करुणा बहन जी, छोटी दीदी बोलता उनको मैं, बड़े सालों से मेरे ना उनके साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन उनको मुझसे न जाने कब से न गलत फहमी है भाई। उनके हिसाब से मेरे घर में मेरी बहुओं के साथ टॉर्चर किया जाता है। मैं जी आप लोगों से पूछता हूँ, क्या टॉर्चर? ये टॉर्चर नहीं है, ये एक हादसा है, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीडेंट। और ये हादसा कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, ये बताएंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ है इनके साथ हुआ है। शिखा बेटा बताओ, क्या बताओ, आओ इधर आओ, बताओ इनको। हाँ जी, वो मेरी लापरवाही की वजह से ना मेरी चुन्नी में आग लग गई थी, राजवीर और आंटी जी ने ही बचाया मुझे।
इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। सुना आपने? सुना? ये बहन की आंखों में तो आंसू आ गए, आए ना? हैं? ये क्या लगता आपको टॉर्चर था? हादसा था, हादसा। Oh, 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 oh